क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम बिना किसी एप्लीकेशन के अपने फोटोज और वीडियोस को हाइड कर सकते हैं? टेक्निकल बंदा, हम नहीं चाहते किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना, तो क्या अपने फोटो और वीडियोस को हाइड नहीं कर सकते? टेक्निकल बंदा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी मदद से फोटोज और वीडियोस को हाइड किया जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे। हाजिर है आपका अपना बंदा टेक्निकल बंदा एक और बेहतरीन वीडियोस के साथ। हमने पास्ट में से बहुत सारी वीडियोस बनाई है जिसमें आपको बताया है कुछ ऐसे एप्लीकेशन की मदद से जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, अपने फोटोज और वीडियोस को हाइड कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग कमेंट करने लगे थे कि हम कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना चाहते, तो क्या ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम ऐसा काम कर पाए? तो डेफिनेटली एक ऐसी बेहतरीन ट्रिक्स है जिसकी मदद से आप ऐसा कर पाओगे, किसी को पता भी नहीं चल पाएगा और सारा फोटोज आपके फोन में रहेगा। सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करके समझाऊंगा, तो वीडियोज को एंड तक देखिएगा। वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगे तो थम्स अप देके हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हो। एज नो, मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं टेक्निकल बंदा बिट टू लर्न। पहले मैं अपना एल्बम खोल के आपको दिखा देता हूँ कि किस फोल्डर को हम हाइड करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपने एल्बम को यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा फोटोज़ वाला सेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे मेरे कई सारे पर्सनल फोटोग्राफ्स हैं। हम यहाँ से एल्बम वाले सेक्शन में आ जाते हैं। तो ये हमारा कैमरा है 212 और वीडियो है 10। अब हम इसमें से किसी को हाइड करेंगे। चलिए हम कैमरा को हाइड करके दिखाते हैं। तो स्टेप बाई स्टेप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करना है, हमको अपने फाइल मैनेजर वाले ऑप्शन में चले आना है। माई फाइल्स वाले ऑप्शन पर आएंगे एंड आपको ये पता कर लेना है कि आपका फोटोज़ जो है वो SD कार्ड में सेव है या फिर आपके फ़ोन स्टोरेज में सेव है। तो चलिए फटाफट से ये चीज़ पता कर लेते हैं। यहाँ से खोलते हम अपना SD कार्ड, इस पर क्लिक करेंगे एंड देन वापस बैक आ जाते हैं। अब हमारी माई फाइल्स कहाँ रखी हुई है इसमें देखेंगे, SD कार्ड वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ से हमको DCM का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा 210, यही हमारा फोटोज़ है जो यहाँ पर सेव है। अब इसको होल्ड करके रखना है, देन आपको मोर वाले ऑप्शन में रीनेम वाले ऑप्शन पर आ जाना है। देन आपको कैमरा का एक सिर्फ डॉट लगा देना है एंड देन ओके कर देना है। ठीक है, अब कैमरा क्या हुआ, यहाँ से हाइड हो गया है। वापस से आते हैं अपने सेक्शन में एंड देन देखते हैं कि वो हाइड हुआ कि नहीं। देख सकते हो डेफिनेटली फोटो जो है वो हाइड हो चुकी है बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के। अब वापस कैसे लाओगे, वापस से आइए, इसी को होल्ड करके रखिए एंड देन मोर वाले ऑप्शन में रीनेम वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से डॉट को हटा दीजिए एंड ओके कर दीजिए। यही काम आपको अपने वीडियोज़ वाले सेक्शन में भी करना है। देख सकते हो हमारा जो फोटोज़ है वो आने लगा है, 166 फोटो का 212 फोटो आ गई है, मतलब फोटो जो है वो अनहाइड हो गई। इस तरह आप वीडियोज़ को हाइड कर सकते हो, किसी डॉक्यूमेंट को हाइड कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आएगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हम सब देखा हमारा मोटिवेशन जरूर आएगी। तो गाइस ये था वो तरीका जिसकी मदद से आप डेफिनेटली कर पाओगे किसी भी अपने फोटोज और वीडियोस को हाइड। आई होप आपको समझ में आएगा और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो थम्स अप देके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएगा। कमेंट थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, ट्विटर इंस्टाग्राम फेसबुक तीनों जगह आपका भाई टेक्निकल बंदा 1 नाम से, तो आओ फॉलो करो, बातें करेंगे। मिस इंटरेस्टिंग, गुड बाय, ऑलवेज कुछ नया सीखते रहे।